सो आज हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं लिमिट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 से लेके 32 तक, एक्सरसाइज आपको 13.1, ठीक है। और आपका इसका प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, एक 1 से लेके 20 तक। मैं उसका दो पार्ट दे रही हूँ, एक में 1 से लेके 10 तक है सॉल्यूशन और एक में 11 से लेके 20 तक है, ठीक है। और अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो भी आप देख लेना, यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उसमें मैंने वेरियस मेथड्स भी बताए हैं कि आप कोई भी लिमिट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो वो देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर 21, ओके। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो कोई भी लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो। x अप्रोचेस टू जीरो है ना, तो इसमें जीरो पुट अप करेंगे तो देखेंगे क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आता है या नहीं, है ना। इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको क्लियर होगा, देखो क्या होता है, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सारे जो हो गए इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गए, ठीक है। तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है, तब हम लोग वेरियस अदर मेथड है उसका यूज करके इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। चलो सो यहाँ पर देखो, हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले x अप्रोचेस टू जीरो है तो जीरो इसमें पुट अप करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखो cos x जीरो और माइनस ऑफ cot जीरो, ठीक है। देखो cos x जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और ये भी हो गया cot जीरो, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या, इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी आ गया, यानी कि ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इवेल्युएटिंग द फंक्शन, इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिख दो या फिर ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, तो हम लोग दूसरा मेथड को यूज करेंगे इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखो कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, और इधर पे कॉट एक्स है, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और ये हो गया आपका 1 माइनस ऑफ cos x और डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्लियर है। तो देखो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सब सॉल्व किए होगे ना 1 से लेके 20 तक, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के फंक्शन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करो, है ना। अब यहाँ तक आ गया तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप प्रीवियस वाला सॉल्व किए होगे तो, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं बता भी देती हूँ यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 माइनस cos x है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x/2, ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या है, साइन एक्स है, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो ये वाले देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला मैं एक आपको फॉर्मूला बताई थी, यहाँ पर देखो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होती है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का ये मैं एक आपको फॉर्मूला बताई थी, इसका आपको प्रूविंग भी बताई थी, आप इसका एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देख लेना, ओके। सो इसमें क्या करेंगे ना, जो साइन एक्स तो है डिवाइड बाय एक्स कर देंगे सो दैट ये इस फॉर्म में आ जाए, और उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 पुट अप कर देंगे। और आपका न्यूमरेटर में भी जो 2 sin² x/2 है, सो जो ये sin² x/2 है इसमें भी क्या करेंगे, x² by 4 और मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि ये इस फॉर्म में आ जाए, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और इधर पे क्या था, sin² x/2 और डिवाइड में क्या था, साइन एक्स डेनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो हम लोग साइन एक्स बाय एक्स इस फॉर्म में लाएंगे ताकि आपको आप फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला फॉर्मूला यूज करो, उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है ना। अब देखो यहाँ 2 फंक्शन है डिवाइड में है, आप एलजेब्रा ऑफ लिमिट याद रखो, उसमें मैंने क्या बताया था, 2 × क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 हो गया, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ओके। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो हम लोग को जो फॉर्मूला में लाना है तो उसके लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा कोई नंबर से, x² by 4 से करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे x² by 4 से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, x² by 4 से ही हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किए, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो लिमिट x
टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय फोर से डिवाइड ही क्यों की, और यहाँ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय फोर से ही क्यों की। देखो आपको जो फॉर्मूला पता है साइन एक्स बाय एक्स रहता है ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी नीचे में एक्स रहेगा, तो देखो यहाँ एक्स बाय टू है ना और यहाँ स्क्वायर है, तो इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर बाय फोर से डिवाइड की है और मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो टू इंटू, सो अब देखो ये वाला की वैल्यू तो वन हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय फोर, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इधर भी ये वाला का वैल्यू वन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एक्स क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो टू इंटू आपका रिमेनिंग क्या रह गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इधर डेनोमिनेटर में तो वन हो गया और इधर भी क्या आ गया एक्स बाय फोर। ठीक है, अब देखो ये फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये टू के साथ, टू बाय फोर, और इधर भी क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और सिर्फ आपके यहाँ x रह गया, तो इधर पे हो गया वन बाई टू। ओके, सो वन बाई टू, यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट अप कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया जीरो। ठीक है, सो ये जो आपका गिवन फंक्शन था इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व किए हैं ये। ओके, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में क्या करो, पहला स्टेप है आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट अप करो, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, तो वेरियस अदर मेथड है उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, है ना। और आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद रखो इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू टेन टू एक्स डिवाइड में क्या है एक्स माइनस ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला फिर से फॉर्मूला याद करो, इसमें ये था क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स इसकी वैल्यू वन होती है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो टू एक्स है, नीचे में भी टू एक्स लाना होगा अगर इस फॉर्म में लाना है तो। ओके, और आपका डेनोमिनेटर में एक्स माइनस ऑफ पाई बाई टू है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो काम करते हैं एक्स माइनस पाई बाई टू को कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो लेट एक्स माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई, इसको वाई लेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखो जो लिमिट है एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ पर पाई बाई टू पर। अगर देखो ये वाले फंक्शन को अगर हम लोग वाई के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स माइनस पाई बाई टू की वैल्यू वाई लेट कर रहे हैं, है ना, तो आपका लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी, आपको उसमें लिखना होगा वाई टेंड्स टू अ सर्टेन नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट अप करते हैं, तो पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर आप लिखो क्या कि व्हेन x approaches to pi by 2, then y कौन से वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है जीरो पर, जीरो कैसे आया क्लियर हो गया पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू। ओके, यहां तक क्लियर है आपको, सो यहाँ पर वही चीज लिख देते हैं लिमिट y approaches to जीरो। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, y प्लस पाई बाई टू, या फिर आप बोल सकते हो क्या पाई बाई टू प्लस वाई। ओके, सो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, सिंपल x की वैल्यू को यहाँ पर डब किए हैं और आपका डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाई टू वाई। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है y अप्रोचेस टू जीरो। ओके, और यहाँ पर क्या है टेन, और टू से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हो जाएगा पाई प्लस टू वाई और डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वाई। ओके, अब यहाँ देखो लिमिट y टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ देखो टेन 180 प्लस 2y, यानी आप बोल सकते हो tan 180 प्लस थीटा है y प्लस थीटा, थीटा ले लो आप 2y है ना। अब बताओ 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2y और डिवाइड में y आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देखो ये आ गया ना फंक्शन क्या tan 2y by y, अब देखो इस फॉर्म में आप ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया क्या tan 2y डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ पर देखो जो आप फॉर्मूला पढ़े हो टेन एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन होता है, तो देखो इसमें भी हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्मूला में यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे टू से डिवाइड करेंगे और टू से मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं टू से आपको डिवाइड कर दिए और टू से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, और आपका कॉन्स्टेंट ये टू तो बाहर आ गया और ये इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी सिंपली, है ना, तो इंटू वन लिख देंगे विच इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो ये क्लियर हो रहा है ना किस तरह से सॉल्व किए हैं, सिंपली यहाँ पर क्या किए हैं एक्स माइनस पाई बाई टू की वैल्यू लेट कर ली है वाई, और उसके बाद x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है तो उससे आपका लिमिट y अप्रोचेस टू 0 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ये सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो क्या है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x),
देखो ये दोनों की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब फंक्शन जब कोई नंबर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तब आपको बताना है फंक्शन कौन सी वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, और उसी तरह व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन देन आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और आपका फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, यहाँ देख रहे हो एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो रहता है उस केस में टू एक्स प्लस थ्री, और ग्रेटर देन जीरो रहता है तब थ्री इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये फंक्शन इस पर डिफाइंड है। ओके सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, तब इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जैसे आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर हो रहा है, यानी जो भी वैल्यू है जैसे जीरो है उसके लेफ्ट साइड वाला वैल्यू लेना है, लेस देन जीरो वाला वैल्यू है ना। तो यहाँ पर सिंपली आप याद करो लेफ्ट हैंड लिमिट को का नोटेशन क्या था, कैसे लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ सिर्फ माइनस देते थे है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, बिकॉज हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो लेस देन जीरो ये है आपका टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट अप करो, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री, तो ये आ गया थ्री। थ्री क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरह से अब हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, क्लियर हो रहा है एफ ऑफ एक्स है ना। राइट हैंड लिमिट यानी एक्स जो भी जीरो है उसके राइट साइड वाला वैल्यूज, देखो यहाँ पर जैसे ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका जीरो है, तो इसके राइट साइड वाला वैल्यूज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो में क्या है थ्री इंटू एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स की वैल्यू अब हम लोग क्या पुट अप करेंगे थ्री इंटू एक्स प्लस वन, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन, अब एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट अप करेंगे यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर देखो जीरो प्लस वन दैट इज वन और थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में भी आपका वैल्यू थ्री आ गया और राइट हैंड लिमिट के भी केस में थ्री आ गया। ओके तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिख दो एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके ओके तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू भी थ्री है, राइट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू भी थ्री है। ओके बोथ वर इक्वल, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री। यही आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में है ना, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ फाइंड। ओके सिंपल है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आपको इनइक्वालिटी में दिया है कुछ वैल्यूज दिया है, लेस देन इक्वल टू में टू एक्स प्लस थ्री और ग्रेटर देन में थ्री इंटू एक्स प्लस वन, इसीलिए हम लोग क्या किए कि दोनों निकाल लिए, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बोथ वाई कल, सो लिमिट एग्जिस्ट और इसकी वैल्यू क्या है थ्री है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं सेम इसी तरह से करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट, बस इसमें यही फर्क है एक्स किसकी ओर अप्रोच कर रहा है वन की, वन है वैल्यू है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखो एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ओके सो इसको भी सेम इस प्रीवियस वाला जैसे ये सॉल्व किए इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, वन माइनस क्यों लिख रहे आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का ये नोटेशन है। ओके सो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन और आप वन क्या लिए हो माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन वन है ना, वन यहाँ है, तो ये सारे वैल्यूज के लिए एफ एक्स क्या होगा। तो आप यहाँ इनइक्वालिटी चेक करो, देखो लेस देन वन किस में आएगा, इसमें आएगा ये वाला इनइक्वालिटी में लेस देन वन, तो एफ एक्स क्या है थ्री एक्स प्लस वन, तो ये आपको लेना होगा, यहाँ लिख देंगे थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ तक क्लियर है। अब आप सिंपली एक्स की वैल्यू क्या करो वन पुट अप कर दो, यहाँ वन हो गया वन प्लस वन, ये हो गया टू, थ्री इंटू टू डेट इज सिक्स, क्लियर है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई। इन द सिमिलर वे हम लोग अब क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी वन प्लस। ओके तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, अब देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यानी वन से ग्रेटर वाला वैल्यूज के लिए, अब एफ एक्स क्या है तो यहाँ चेक कर लेते हैं, वन से ग्रेटर यहाँ पर आएगा देखो इसी में आएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो वन टू थ्री, और आपको अभी एफ एक्स की क्या वैल्यू लेनी है
यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट लेना है, यानी x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ओके तो उस केस में आपका एफ एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, यानी यही पर यही वाला 3x प्लस 1 ही आपको लेना होगा दोबारा, तो इसमें यही ले लेंगे. ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है ना किस तरह से हम लोग ये एफ एक्स ले रहे हैं. सिंपल आपको क्या देखना है, 1 माइनस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 1, उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा, राइट हैंड लिमिट उसी तरह 1 से ग्रेटर वाला वैल्यू, उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा, 3x प्लस 1 ही होगा, है ना. ये वाला इनइक्वालिटी आप देख लो, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो सिंपल इसमें भी क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6. ओके तो यहाँ पर सिंपली वही चीज आप लिख दो, डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इस केस में, और आपका राइट हैंड लिमिट हो गया, दोनों बोथ वर इक्वल. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. क्लियर है, तो देख रहे हो दोनों केस में किस तरह से सॉल्व किए. बस आप ये याद रखना कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन बोथ द लिमिट शुड बी इक्वल, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 23, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. ओके तो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और एफ एक्स इस पे डिफाइंड है. यहाँ पर देख लो इनइक्वालिटी, आप अच्छे से देख लो कि अगर एक्स लेस देन 1 रहता है या इक्वल टू 1 रहता है, तो इस केस में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए ये. ओके सो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, उसी तरह आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो 1 माइनस लिखेंगे, है ना. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन है. अब बताओ इनइक्वालिटी आप चेक करो, लेस देन 1 में कौन सा है, ये वाला है. तो आप एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट अप करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां लिख देते हैं. ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आप 1 पुट अप करो, यानी 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0. इन द सिमिलर वे अब हम लोग क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अब देखो इनइक्वालिटी में अब आपको क्या चेक करना होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है. तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1. तो एफ एक्स के बदले में हम लोग क्या पुट अप करेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1. अब डायरेक्ट आप 1 वैल्यू उसमें पुट अप करो, तो यहाँ क्या देखोगे, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, यानी ये आ गया माइनस ऑफ 2. ठीक है, तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो जैसे मैंने बताया है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन बोथ लिमिट शुड बी इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. यहाँ क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है और राइट हैंड लिमिट तो माइनस ऑफ 2, यानी कि क्या लिखना होगा आपको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके तो यहाँ लिख दो आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो बोथ आर नॉट इक्वल. तो इसमें इस तरह से क्रॉस कर देना और लास्ट में क्या लिख देना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है ना. सो इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू सॉल्व करना होगा. देखो इस टाइप का आपको जब भी इनइक्वालिटी वाला फंक्शन गिवन हो ना, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और दोनों चेक करना, दोनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल. ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. तो यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सेम प्रीवियस वाला जैसा है, एफ एक्स आपका ये फंक्शन डिफाइंड है. इसमें देखो क्या दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0. अब देखो यह मॉड एक्स के बारे में आपको क्या पता है, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके और माइनस एक्स कब होता है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मॉड एक्स के बारे में आपको पता है. ओके तो यहाँ पर सिंपली देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. देखो 0 माइनस है ना, यानी लेस देन 0 वाला वैल्यूज आपको लेना है, उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा. तो
तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देखो x less than 0, यही वाला है कि x not equal to 0 के लिए fx क्या है, मतलब कि x not equal to 0 मतलब क्या, 0 बस 0 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज, यानी x अगर less than है और अगर x greater than वैल्यू है, तो दोनों के केस में क्या है, fx की वैल्यू mod of x by x है। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर देखो, x अगर लेस देन 0 है तब fx क्या है, मॉड ऑफ x बाय x। देखो सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी दोनों जगह पर fx की वैल्यू मॉड x बाय x है, क्लियर है। अब वही चीज fx लिख देते हैं, मॉड fx बाय x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो मॉड x का भी दो केस है कि अगर वो ग्रेटर देन रहता है तो x और अगर लेस देन रहता है तो माइनस ऑफ x। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, यानी लेस देन 0 है, तो यहाँ पर देखो लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ x होता है, तो यहाँ माइनस x लिख देंगे और डिवाइड बाय x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 1। क्लियर हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट हो गया। लिमिट अब क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट, यानी x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to 0, अब x की वैल्यू क्या है, greater than 0 है, उस केस में भी आपका fx यही होगा, mod x by x, तो ये लिख देते हैं, ओके, तो यहाँ पर देखो limit x tends to 0, अब यहाँ पर देखो mod of x है ना, अब x आप कैसा वैल्यूज ले रहे हो, greater than 0 ले रहे हो, because ये right hand limit है, देखो one, यहाँ पर आप देखो number line, यहाँ पर देखो इधर पे 0 है, अगर right hand side वाला values क्या होता है, greater than 0, तो यानी x आप ग्रेटर देन 0 लोगे तो उस केस में आपका मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ x हो गया और डिवाइड बाय x, कैंसिल आउट कर दो, तो ये 1 हो गया, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस 1 है और राइट हैंड लिमिट तो 1 है, यानी बोथ आर नॉट इक्वल, तो लास्ट में आप ये लिख दोगे क्या, कि हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल लिख दो, और लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है ना किस तरह से सॉल्व किए, तो जब भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चंस रहेगा ना, या फिर देखो नॉट इक्वल या इक्वल, तो इसमें इस तरह से ही सॉल्व करना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना फिर राइट हैंड लिमिट निकालना, क्लियर है, एंड आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो देखो ये भी सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, आपको इसमें देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 था, f ऑफ x यही फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर बस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो मॉड एक्स बाय एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स बाय मॉड एक्स, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, आप ये खुद से सॉल्व कर लोगे ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 25, आई होप ये कर लोगे आप सॉल्व, आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझ गए होगे। तो देखो सिंपल कुछ नहीं है ना, आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, मैं यह सॉल्व कर ही देती हूँ, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ, x बाय मॉड x, अब बताओ लेस देन 0 ले रहे हैं ना, तो यहाँ मॉड x के बदले में आप माइनस x पुट अप करोगे, यानी ये माइनस बना जाएगा, और आपका उसी तरह से अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा, तो देख रहे हो दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस क्या लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist, ठीक है। तो ये एकदम सेम प्रीवियस वाला जैसा ही है, तो ये खुद से सॉल्व करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ओके। तो यहाँ देखो क्या है, आपको क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, और f x आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं f of x which is equal to mod of x और माइनस ऑफ 5, आपको लिमिट निकालना है x अप्रोचेस टू 5, तो सिंपली हम लोग लिमिट लिख लेते हैं x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको क्या पुट अप करनी होगी, 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 एंड विच इज इक्वल टू 0,
ओके तो इसका आंसर क्या हो गया, इस फंक्शन का जीरो आ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ देखो क्या है, क्या दिया है, देखो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो इनइक्वालिटीज में दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। देखो एक्स अगर लेस देन वन रहता है उस केस में आपका ए प्लस बी एक्स है, इक्वल टू वन रहता है तब फोर है, और आपका जब एक्स ग्रेटर देन वन रहता है तब बी माइनस ऑफ बी ए एक्स है ना। और आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ वन के इक्वल। अब देखो एफ ऑफ वन आपको क्लियर हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू अगर वन रहती है उस केस में एफ ऑफ वन क्या है, फोर है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन आपको दे दिया गया है कि दे आर इक्वल। तो क्या करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल दे दिया गया, इक्वल टू फोर। फोर समझ रहे हो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ वन के इक्वल है, तो एफ ऑफ वन क्या है, फोर ही है ना। ओके तो यहाँ पर देखो उससे आप लोग को कंडीशन दे दिया गया, आपको बताना है ए और बी की वैल्यू। सो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वेरिएबल दिया गया है ए और बी, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करें, और ये आपका कंडीशन दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स। इससे आपको पता ही चल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं कि x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी x की वैल्यू क्या देखो लेस देन 1 है। लेस देन 1 के केस में एफ एक्स क्या है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो लेस देन 1 मतलब ये वाला, उस केस में आपका एफ एक्स क्या है, ए प्लस बी एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, क्लियर है। अब x की वैल्यू क्या पुट अप करनी है, 1 पुट अप करनी है, तो डायरेक्ट यहां 1 पुट अप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्लियर। अब देखो आगे आगे क्या निकालना है, अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब कि x की वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स क्या है, यहाँ पर आप देखो ये वाला b माइनस ऑफ ए एक्स है ना, तो एफ एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, b माइनस ए एक्स। अब x की वैल्यू आपको 1 पुट अप करनी, यहाँ कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा b माइनस ऑफ a, क्लियर। यानी आप यहाँ तक क्या देखे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट निकाल ली, ओके। अब यहाँ देखो ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ मैं दोबारा ये कंडीशन लिख देती हूँ, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के, और एफ ऑफ वन की आपको वैल्यू पता है ऑलरेडी, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, फोर है। यानी एक्स की वैल्यू जब वन होती है उस केस में आपको वैल्यू पता है ना, या गिवन है, देखो एक्स की वैल्यू जब वन है तो वो फोर है, एफ ऑफ वन है ना। अब देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये दोनों आप निकाल चुके हो यहाँ पर, है ना। तो दोनों लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 plus f of x, है ना। यानी इसके बदले में आप ये दोनों लिख सकते हो ना, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आपको जैसा कंडीशन में दिया है कि ये एग्जिस्ट करता है, और विच इज इक्वल टू f of 1, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के आप वैल्यू क्या निकाले हो, a plus b, तो यहाँ a plus b लिख देते हैं, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकाले हो, b minus of a, तो यहाँ b minus of a लिख देते हैं, ठीक है। और f of 1 आपका 4 है, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर, ओके। सो देख रहे हो तीनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे आपको इक्वेशन मिल गया कि a प्लस बी इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये मिल गया 1, और एक इक्वेशन मिल गया b माइनस ऑफ a इक्वल टू 4, इक्वेशन 2, ओके। तो इसको बस सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को एंड यू गेट द आंसर, दैट इज द वेरिएबल a एंड b, उसका वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते, देखो दोनों को एड ही कर देते हैं, ओके। तो देखो एडिंग बोथ द इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, वी गेट, तो यहाँ पर देखो ए ए तो कैंसिल ही हो गया, ऐड करें तो 1 ए है और उसमें माइनस ऑफ ए, इधर पे हो गया 2 ए आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इधर पे हो गया ऐड कर रहे यानी 8, ओके। तो बी की वैल्यू आपको आ गई 4, अब सिंपली आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो बी की वैल्यू और ए फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बी इक्वल टू 4 है, फ्रॉम इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही पुटअप कर देते हैं,
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू फोर है, तो b की वैल्यू 4 पुट अप की है यहाँ पर देखो, तो यहाँ हो जाएगा ना 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और यही तो फाइंड आउट करना था आपको a और b की वैल्यू, हो गया ना a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, सॉल्व हो गया, क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चन, बिकॉज इसमें देखो आपको वेरिएबल वाला कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी तक क्या देखे कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ही यूज कर रहे थे, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला, कभी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो वेरियस मेथड। तो इसमें देखो वेरिएबल निकालना है ए और बी, तो कैसे फाइंड आउट किए आपको क्लियर हो गया होगा, तो सिंपल ये वाला जो आपको कंडीशन दिया गया है आपको इसी से ही पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, एग्जिस्ट करता है लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही होगा ना, तो उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट की और दोनों को इक्वेट कर दी, और उससे आपका एक दो इक्वेशन मिल गया, एंड फाइंड एंड सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके क्लियर है क्वेश्चन नंबर 28। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है। ओके क्या है देखो, लेट ए वन ए टू अप टू ए एन तक है बी फिक्स रियल नंबर, ओके एंड डिफाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देखो ये फंक्शन इस पे डिफाइंड है, गिवन है एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू डॉट 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 अप टू एक्स माइनस ए एन तक। ओके और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो व्हाट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एन ए वन एफ ऑफ एक्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए वन, तो एफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा, फॉर सम ए इज नॉट इक्वल टू ए वन ए टू ये दिया हुआ है, एंड कंप्यूट इज ये कुछ रॉन्ग हो गया, एंड कंप्यूट लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर देखो दो वैल्यूज आपको निकाल ली है, जब एक्स ए वन को अप्रोच कर रहा है तब एफ एक्स क्या होगा, और जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है उस केस में आपका क्या होगा, ठीक है तो कर लेते हैं फाइंड आउट। तो एफ एक्स सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइंड है वो लिख लेते हैं, क्या है एक्स माइनस ऑफ ए वन इंटू एक्स माइनस ऑफ ए टू, कहां तक गया है ए एन तक गया है, क्लियर है यहां तक। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन है ना, तो लिमिट लगा लेते हैं, ओके ठीक है। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहां पर भी लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन, और आपका ये जो फंक्शन है ये लिख लेते हैं एक्स माइनस ऑफ ए वन एक्स माइनस ऑफ ए टू अप टू कहां तक है एक्स माइनस ऑफ ए एन तक, ठीक है ना। अब देखो अब आप इसमें एलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैं आपको पढ़ाई थी वो याद करूं, क्या था प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन वाला, यानी कि अगर कभी भी इस तरह से रहे लिमिट कुछ भी रहे वैल्यू एक्स, सपोज कर लो एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो ये किसके इक्वल रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स, है ना, तो ये इसके इक्वल रहता है ना, इसको सेपरेट करके आप लिमिट कर सकते हो। इन द सिमिलर वे इसमें भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ ए वन, और इधर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा लिमिट, सिमिलर जैसे ये वाला लिखे ना दो फंक्शन है तो उसी तरह इसमें बहुत सारे एन तक है, तो सब में लिमिट आ जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन है तो फिर एक्स की वैल्यू ए वन पुट अप कर देना, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स अप्रोचेस टू ए वन, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ a2, इस तरह से लास्ट तक दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 x माइनस an, क्लियर है यहां तक। अब देखो x की वैल्यू आपको क्या पुट अप करनी होगी, a1 पुट अप करनी होगी, है ना, अब वैल्यूज को पुट अप करते हैं, तो यहां देखो ये हो गया माइनस ऑफ a1, ये आ जाएगा पहला टर्म, और उसी तरह से दूसरा वाला टर्म मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बताओ a1 माइनस ऑफ a2, और उसी तरह से लास्ट तक दैट इज a1 माइनस ऑफ ए एन, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला टर्म ही तो जीरो हो गया, ए वन माइनस ए वन है ना, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, ओके सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसका आपका आंसर मिल गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाले, देखो ये जब भी पीस वाइज फंक्शन रहेगा ना इस तरह से जो इनइक्वालिटी वाला रहेगा इसमें आप
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के केस में एफएक्स की वैल्यू चेंज है ना, एफएक्स की फंक्शन किसी और पे डिफाइंड है, कभी है देखो लेस देन वन के लिए ए प्लस वी एक्स है, ग्रेटर देन वन के लिए बी माइनस ऑफ ए एक्स है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले, क्लियर हो रहा है। और देखो इसमें तो वैसा कुछ नहीं है ना, फंक्शन डिफाइंड है बोल दिया गया और x अप्रोचेस टू a1 तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज को पुट अप किए, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मेथड 1 था, है ना। अब देखो क्या निकालना है, कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ये भी फाइंड आउट करना है तो ये भी निकाल लेते हैं। यहां देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x क्या था वो लिख लेते हैं, क्या था x माइनस ऑफ a1 x माइनस ऑफ ए टू अप टू एन तक, एन एथ टर्म तक, मतलब कि एक्स माइनस ए एन तक, यही था ना, देख लो आप, है ना। अब देखो यहां पर एक्स अप्रोच कहां कर रहा है, ए की तरफ, ओके तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है तो डायरेक्ट आप ए वैल्यू इसमें पुट अप कर दो। तो देखो ये भी प्रोडक्ट वाला जैसे ही जैसे प्रीवियसली वाला सॉल्व किए है ना, ये क्या आ जाएगा a माइनस ए वन ए माइनस ए टू अब तो कहां तक गया है a माइनस ए एन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई लिमिट x टेंड्स टू a देन f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई x a माइनस ए वन ए माइनस ए टू अप टू a माइनस ए एन तक, तो ये इसका आंसर हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट का जो आंसर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो दोनों आपका फाइंड आउट हो गया, एक की वैल्यू जीरो आ गई और एक की वैल्यू ये आ गई, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 29, है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो देखो इसमें 32 क्वेश्चंस ही है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और इसके जितने भी एग्जांपल सब है वो भी आप सॉल्व कर लेना, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए लिमिट का कॉन्सेप्ट, और वेरियस अदर बुक रेफरेंस बुक से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी मैं बताई हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सो यहाँ पर देखो ये भी पीस वाइज फंक्शन है, मतलब की आपको देखो यहाँ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स क्या है मॉड एक्स प्लस वन है, इक्वल टू जीरो के लिए जीरो है, और एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है उस केस में मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको यहाँ पर देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब कौन से वैल्यू पर आपको बताना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, देखो यहाँ पर क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए दिया है ना, यानी जो एक्स है वो कौन से नंबर पर अप्रोच करा वो नहीं बताया गया है, आपको ये बताना है कि एक्स कौन से नंबर पर अप्रोच करेगा और उस जगह पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमेशा देखो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं आपको एक पॉइंट दे दिया गया था कि एक्स अप्रोच करा वन पर, तो अब आप बताओ फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब आप इसमें क्या बोला गया है, एक फंक्शन है वो एक्स कोई नंबर पर अप्रोच कर रहा है, अब उस जगह पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कौन से नंबर पर आपको फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये बताना है, क्लियर हो गया। ए की वैल्यू बतानी है, तो अब ए का वैल्यू तो हमको नहीं पता ना कि वो आइदर जीरो है या लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब समझ लो या तो वो जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो वन टू हो सकता है या तो लेस देन जीरो माइनस वन माइनस टू, ये सब हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग तीन केस ले लेंगे, एक ले लेंगे वन ए इक्वल टू जीरो के लिए, एक ले लेंगे वन ए इज लेस देन जीरो, और एक ले लेंगे वन ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन ले लेते हैं, वन ए इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करी है जीरो पर, तब फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, क्या फाइंड आउट करने बोला गया है, ओके तो इसका तीन केस लेंगे। सबसे पहला केस वन ले लेते हैं, केस वन यहाँ पर देखो व्हेन ए इक्वल टू जीरो, यानी कि लिमिट हम लोग ले लिए क्या एक्स अप्रोचेस टू जीरो तब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं कैसे पता चलेगा, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो लिमिट x approaches to 0 minus f of x which is equal to limit x approaches to 0, अब देखो 0 minus है ना, मतलब कि 0 से less than values लेना है, तब यहाँ पर देखो x less than
जीरो में एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है, एक्स लेस देन जीरो में एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या पुट अप करेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सब पुट अप कर दो, या फिर आप यहाँ पर आप देखो, देखो मॉड ऑफ एक्स के बारे में आप फिर से जो चीज मैं बताई थी याद करो क्या था, कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उस केस में एक्स होता है, और माइनस ऑफ एक्स कब होता है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिए हैं, एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन है ना, तो लेस देन जीरो में क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर हो रहा है, अब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट अप कर दो, यानी जीरो और प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, अब क्या निकालना होगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो ये देख लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब देखो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इनइक्वालिटी में आप चेक करो एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होता है, ग्रेटर देन जीरो है उस केस में आपका एफ एक्स क्या है, अब ये वाला इनइक्वालिटी देखो, एक्स ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, है ना। तो एफ एक्स के बदले में क्या पुट अप करेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन विच इज इक्वल टू, ये तो हो गया जीरो माइनस ऑफ वन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर ए की वैल्यू जीरो पुट अप करते हैं तब फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। यहाँ क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो वन आ गया, राइट हैंड लिमिट तो माइनस वन आ गया, क्या इक्वल है, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स एट जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, इक्वल नहीं है ना। और लास्ट में आप ऐसे लिख देना, हैंस से यहाँ पर लिख देना, हैंस लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स इक्वल एक्स टेंड्स टू ए था ना, तो यहाँ व्हेन, यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन ए इक्वल टू जीरो। देखो ए की वैल्यू तो नहीं दी गई है ना आपको, क्या है आपको बताना है कौन से वैल्यू पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ए की वैल्यू हम लोग जब जीरो लिए तब फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं किया, ये केस वन हो गया आपका। अब केस टू ले लेते हैं, ठीक है ना, व्हेन ए इज लेस देन जीरो ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखो लेस देन जीरो है, यहाँ पर देखो आप नंबर लाइन है, यहाँ जीरो होता है, इधर वन होता है, इधर टू थ्री है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहता है। अब देखो यही बोला गया है, ये देखो पॉइंट जीरो पे तो हम लोग देखें कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ए की वैल्यू अब हम लोग लेस देन जीरो ले लिए, लेस देन जीरो यानी इट कैन बी एनी नंबर लेस देन जीरो, आइदर वो माइनस वन हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है, कुछ भी है ना। केस टू व्हेन ए इज लेस देन जीरो, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, है ना। ठीक है, ऐसा लिए हैं लेस देन जीरो लिए, लेस देन जीरो इट कैन बी एनी नंबर, आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी हो सकता है। इसका सपोज करो माइनस टू ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ वही चीज लिखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कैसा है, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो यानी इधर वाला वैल्यूज रहेगा। अब एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं, लेस देन जीरो में क्या है, तो देखो लेस देन जीरो में क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ओके। अब यहाँ देखो एक्स का वैल्यू जो हम लोग ए लिए हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए, ये कैसा है, लेस देन जीरो है ना, यानी मॉड एक्स क्या हो जाएगा। अब मॉड एक्स वाला ये देखो, ये वाला टेबल आप देखो, ये वाला इनइक्वालिटी, लेस देन जीरो में मॉड एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है ना, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आप ए पुट अप कर दो, दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस वन, ये क्लियर हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। इन द सिमिलर वे राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ए की वैल्यू हमेशा देखो लेस देन जीरो ही है, सपोज करो मैंने बोला ना माइनस टू लेते हैं,
माइनस टू के इधर वाला हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए तो ये आया, ठीक है। सपोज कर ले रहे माइनस टू है और उसका राइट साइड में देखेंगे तो इधर जो भी वैल्यू रहेगा जीरो से तो छोटा ही रहेगा ना, जीरो से तो लेस ही रहेगा ना, तो इसीलिए हम लोग एफ एक्स वही लेंगे जो लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे देखो एक्स अगर लेस देन जीरो में एफ मॉड एफ एक्स प्लस वन ही होता है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे मॉड एफ एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया। अब देखो आपको यहाँ तो पता ही है एक्स अगर लेस देन जीरो है, मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो में क्या होता है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, सिंपल वही हो गया माइनस ऑफ ए प्लस वन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल है व्हेन ए इज लेस देन जीरो। अब लास्ट में क्या लिखोगे हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, ए क्या लिए हैं व्हेन ए इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो आपको यही तो बताना था कि कौन सी कंडीशन पर आपका ए जो है कौन सी वैल्यू पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देख रहे हैं लेस देन जीरो में दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी, तो यहाँ बोल सकते हो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना। देखो पहला वाला केस में लिए थे जीरो पे एग्जिस्ट नहीं किया था बिकॉज दोनों इक्वल नहीं था, उसी तरह से केस थ्री ले लेते हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। जैसे देखो ए की वैल्यू यहाँ माइनस टू हम लोग सपोज किए थे ना, अब क्या करेंगे टू थ्री वन पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केस थ्री आ जाएगा। इस केस में भी हम लोग चेक करेंगे वेदर द फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, ओके। सो व्हेन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो देखो जैसे केस टू में हम लोग ले लिए थे ना लेस देन जीरो वाला, अब ग्रेटर देन जीरो में भी चेक कर लेते हैं वेदर द फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, है ना, एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ग्रेटर देन जीरो में। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कि एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर से आप देखो नंबर लाइन में यहाँ जीरो है वन टू थ्री, ए कैसे नंबर लिए हैं ग्रेटर देन जीरो है, ये कुछ भी हो सकता है, सपोज ले लिए थ्री। अब थ्री के अगल बगल आप देख रहे हो नेबरहुड पॉइंट्स देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, वही चीज आप चेक करो दे आर इक्वल और नॉट, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एफ एक्स उस पॉइंट पे, है ना। तो थ्री ले लिए सपोज, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक्स के तो जीरो के तो ग्रेटर ही होगा ना। तो यहाँ पर आप देखो एक्स जब ग्रेटर देन जीरो रहता है तब एफ एक्स क्या है वो चेक करेंगे, है ना। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो में ये वाला है मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, है ना, तो ये लिख लेते हैं, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल मॉड ऑफ, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक, वेट, हाँ यहाँ पर देखो ये ना मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन है, यहाँ पूरा मॉड नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से है मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब एफ एक्स क्या रहेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन। अब यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ही क्यों लिए, देखो ए की वैल्यू लिए है ग्रेटर देन जीरो, सपोज कर लो थ्री है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जीरो से तो बड़ा ही है ना, तो ग्रेटर देन जीरो में हमने क्या देखा, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन जीरो में क्या था मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो ये लिख दिए, अब बताओ एक्स कैसा नंबर लिए ग्रेटर देन जीरो लिए, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू यानी एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे एक्स, एक्स कैसे लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है ना। अब ये वाला जो मैं बताई थी अभी निकाल ली थी, एक्स कब रहता है व्हेन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर देख रहे हैं ए ग्रेटर है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस ऑफ वन, क्लियर है। अब देखो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ए कैसा नंबर है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। देखो ए ग्रेटर देन जीरो लिए ना, सपोज थ्री लेंगे, थ्री के राइट साइड में इधर चेक करोगे तो राइट साइड कुछ भी होगा 3.5 3.2 कुछ भी नंबर हो सकता है ना, तो जीरो के तो ग्रेटर ही है ना, जीरो से ग्रेटर ही है ना इसका लेफ्ट और राइट, थ्री का लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। तो देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो पर एफ एक्स क्या था, यहाँ पर फिर से देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो पर एफ एक्स क्या था मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, तो वही चीज यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है।
अब बताओ x तो ग्रेटर देन 0 लिए है ना, x तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा, वही चीज सिमिलर, इसी की तरह लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वन विच इज इक्वल टू a माइनस वन, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यहाँ पर हेंस सिमिलर प्रीवियस, जैसे ही आपको लिख देना है लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ठीक है एट एक्स इक्वल टू ए, और ए का क्या लिए हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि केस 2 और केस 3 यानी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और व्हेन एक्स इज लेस देन 0 दोनों के केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बस केस 1 इसमें बस एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज दोनों इक्वल नहीं ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना खुद से, और एक बार नहीं समझ में आते दोबारा देख लेना वीडियो को है ना ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ओके। यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो क्या है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि फंक्शन सेटिस्फाई करता है विच इज इक्वल टू 5 ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 है ना। तो देखो दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डेनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 और डिवाइड में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इधर पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 क्लियर है एंड विच इज इक्वल टू 5 है ओके। सो इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका डेनोमिनेटर इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 और इधर पे पाई इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और इधर पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो देखो राइट हैंड साइड में आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट अप करो तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी आपका राइट हैंड साइड तो 0 हो गया ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इधर पे क्या था एफ ऑफ एक मिनट हाँ 1 था ये 1 था है ना ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 2 एंड विच इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 क्यों आपको क्लियर हो रहा है बिकॉज एक्स अप्रोचेस टू 1 था तो 1 हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट अप किए पाई इंटू 0 तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है ना, तो ये 0 हो गया ठीक है। आपको निकालना क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। और माइनस ऑफ ये देखो ये डिफरेंस ऑफ फंक्शन वाला आप याद करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ये 2 है विच इज इक्वल टू 0 है ना। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू 0 और ये माइनस है उधर चला जाएगा यानी प्लस और ये हो गया 2 ठीक है विच इज इक्वल टू 2, यानी आपको आंसर क्या मिल गया लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ठीक है। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और बस क्रॉस मल्टीप्लाई की है और कुछ नहीं है ना। सो क्वेश्चन नंबर 32 फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है ना, और आपकी बारी है आप अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पर देखो एफ एक्स पीस वाइज फंक्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन एक्स इज लेस देन 0 में एफ ऑफ एक्स क्या है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है और इन बिटवीन 0 एंड 1 एक्स की वैल्यू रहती है, तो एफ एक्स क्या है एन एक्स प्लस एम है और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 के केस में एन एक्स क्यूब प्लस एम है ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या है फॉर व्हाट इंटीजर एम एंड एन डज बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ठीक है। तो आपको ये बताना है कि m और n का हम लोग क्या वैल्यूज लें कि एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा 0 पर भी और 1 पर भी ठीक है। तो सबसे पहला वाला चेक करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, देखो अगर ये बोला गया ये एग्जिस्ट करता है मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है, यानी
एक्स क्या है लेस देन जीरो ले लिए हैं, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये रहता है ना लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, उस केस में आपका एफ एक्स क्या है, यहाँ पर देखो एक्स वन लेस देन जीरो के केस में एफ एक्स है आपका एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू जीरो पुट अप कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, जीरो प्लस होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा, तो चेक करते हैं इनइक्वालिटी, देखो इन बिटवीन जीरो एंड वन के बीच में आपका एन एक्स प्लस एम, तो ग्रेटर देन जीरो यही होगा ना, एफ एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर एन एक्स प्लस एम, तो यहाँ पर m आ गया। तो देखो देखो क्वेश्चन में क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, m और n का कौन से वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ n है और यहाँ m है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन n इज इक्वल टू m देन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, यही बताना था ना m और n के कौन से वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले, अगर दोनों इक्वल हो जाए तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो व्हेन n इज इक्वल टू m, तो ये पहला हो गया, ये वाला आपका सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू वन था f ऑफ x था, अब इसका हम लोग चेक करते हैं m और n की क्या वैल्यूज डाले कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस, वन माइनस मतलब वन के लेस देन वैल्यू, यानी ऐसा वैल्यू लेना है x लेस देन वन है उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है, x अगर लेस देन वन है उस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा, यही आपको देखना है, तो इनइक्वालिटी में आप चेक करो x लेस देन वन कहाँ पर है, देखो ये वाला है, ये वाला इनइक्वालिटी में x लेस देन वन है, यानी क्या लिखेंगे एन एक्स प्लस एम, एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एन एक्स प्लस एम, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे लिखे हैं ये, है ना, अब x की वैल्यू वन पुट अप करो तो ये हो गया एन प्लस एम, ओके, अब उसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू वन प्लस f ऑफ x, ठीक है, अब यहाँ बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू वन, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन रहती है तब एफ एक्स क्या होता है, इनइक्वालिटी में आप देखो x ग्रेटर देन वन में एफ एक्स क्या है एन एक्स क्यूब प्लस एम, है ना, तो ये हो गया एन एक्स क्यूब प्लस एम करते हैं तो ये हो गया एन प्लस एम, पर क्या देख रहे हैं दोनों तो इक्वल ही आ गया, मतलब m और n कोई भी वैल्यू पुट अप करो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, ओके, तो देख रहे हैं ना लिमिट जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, यानी m और n कुछ भी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू 1, ठीक है, वही चीज आप लास्ट में यहां लिख दो, क्या लिखना होगा फॉर any integral value of mn, integral value of mn, limit x approaches to 1, f of x exist, यही आपको find out करना था, ठीक है, तो ये हो गया, आपको यही बताना था कि ये limit exist करता है m और n की कौन से value पर, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तो equal ही है, यानी m और n कुछ भी पुट अप कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कोई भी वैल्यू पर, है ना, और पहले वाले केस में क्या देखी कि n यहाँ n आ रहा था यहाँ m आ रहा था, तो यहाँ x approaches to zero f of x तभी एग्जिस्ट करेगा when m is equal to n होगा, क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 एंड आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 13.1, ठीक है, so subscribe my channel and press the bell icon for the notification. Hit the like button if you like it and share with your friend. That's all. Milte ek next video par. So stay tuned with my channel. Tab tak ke liye bye and keep practice.